तूने रखा था तू ही उठाएगी ना, कौन उठाएगा? मैं उठाऊं, मैं क्यों उठाऊं? तूने रखा है कचरा यहाँ पे। तूने कैसे देखा? तू कैसे देखते है? नाक से देखते है? आंख से देखते है? आंख से। तो मैंने भी अपनी आंखों से ही देखा, मैंने अपने हाथों से रखा ही नहीं है उधर। अरे आप क्यों डर रहे हैं? क्या यार उसको समझे ना, कचरा रख के जा रहे हैं, अपने घर पर रखना कचरा, मेरे घर पे क्यों डाल रही है? लेकिन जब मैंने रखा ही नहीं तो कैसे? अरे मैंने अपने आंखों से, झूठ मत बोल। लेकिन तूने रखा अभी। चलो एक काम करती हूँ, जैसे 10 दिनों से उनके गांव गएंगे वहाँ पे रख के आते हैं। झगड़ा होता ही नहीं, पहले ही वही रखता रहता था ना, वो लोग 10 दिन से बाहर गए हुए हैं। ठीक है, चलो अभी रख देते हैं 10 भाई के यहाँ। ठीक है, देखो जी ये सब क्या है, हम 10 दिन के लिए घर से बाहर क्या गए? ये कॉलोनी वालों ने तो घर को कचरा घर ही बना दिया, हद कर दी सबने। बुलाओ उनको। शांति रखो, मैं नगर पालिका वालों को कॉल करता हूँ, वो आएंगे कचरा उठा के ले जाएंगे, आप चिंता मत करो। हितेश भाई, लेकिन हम आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। क्यों? एक्चुअली ये जो सारा कचरा है ये हम लोगों ने ही डाला है, इसलिए हम लोगों को मतलब गिल्टी फील हो रहा है, तो हम माफी मांगने आए हैं आपसे। हितेश भाई हम सबको माफ कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज, गलती हो गई, हम सब ये कचरा साफ कर देंगे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अरे रहने दो, नगर पालिका वालों को बुलाया है, वो आके कचरा लेके जाएंगे। हम लोगों को मतलब गिल्टी फील हो रहा है, आप लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की, वही मेरे लिए काफी है। मेरे स्वच्छ मन से अगर सबके मन में अच्छा बदलाव आएगा तो मुझे बहुत खुशी होंगी। स्वच्छता त्याग प्रभुता, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 शुरू થઈ ગયું છે અને આપનો શહેર પ્યારા પણ ભાગ લઈ રહ્યું છે, ત્યારે જાહેરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કચરો ના ફેંકીએ, કચરાનું પ્રોપર વર્ગીકરણ કરીએ અને ભીનો કચરો ગ્રીન ડસ્ટબિનમાં તથા સૂકો કચરો બ્લુ ડસ્ટબિનમાં જ નાખવાનો સંકલ્પ કરીએ। તો ચાલો વ્યારા શહેરને સ્વચ્છ શહેરમાં નંબર 1 બનાવવા માટે સહભાગી બનીએ। વ્યારા નગરપાલિકા દ્વારા જનહિતમાં જારી સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2019 શરૂ થઈ ગયું છે અને આપનો શહેર પ્યારા પણ ભાગ લઈ રહ્યું છે, ત્યારે જાહેરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ પ્લાસ્ટિકનો કચરો ના ફેંકીએ અને પ્લાસ્ટિકના ઝબલા, પાણીના પાઉચ અને ફાંકી માટે વપરાતા પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ 100% બંધ કરીએ। આવો વ્યારાને પ્લાસ્ટિક ફ્રી સિટી બનાવીએ અને આવનારી પેઢીને પ્લાસ્ટિક યુસેજની ખરાબ અસરથી બચાવવાનો સંકલ્પ કરીએ। વ્યારા નગરપાલિકા દ્વારા જનહિતમાં જારી। भाई सुनो, अपने शहर को 7 स्टार बनाना है। मतलब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने हर शहर के लिए 7 स्टार प्रोग्राम का नियोजन किया है और इसके अंतर्गत कुछ शर्तें हैं जिसके बिना पर हर शहर को स्टार मिलेंगे। ये शर्तें हैं घर घर से कूड़ा इकट्ठा होना, गीले सूखे कचरे को अलग करना, सफाई, कचरे का वैज्ञानिक उपचार, प्लास्टिक का कचरा प्रबंधन आदि। पर हाँ, यदि आपके यहाँ खुले में शौच हुई तो 3 या उससे ऊपर स्टार नहीं मिलेंगे, तो अब शहर को स्वच्छता की ओर ले जाओ। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। अपनी आदर्श और व्यवहार अपने ही सोच से जुड़ी हुई है। हम सोचते कुछ है और करते कुछ और है। अपनी मन की स्वच्छता अपनी सोच को अच्छी बनाएगी और जब सोच अच्छी बन जाएगी वही अपने कर्मों में नजर आएगी। अच्छे कर्मों से ही देश की प्रगति हो पाएगी, तभी जाके हमारे भारत महान कहलाएगी। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। वंदे मातरम। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।